वेल्लूर में पार्लियामेंट का इलेक्शन है, कब है? अगस्त 5 को है। हमारा कैंडिडेट नहीं है भाई, हम ओनली स्मॉल इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शन, फिर असेंबली लड़ेंगे। पार्लियामेंट में हमारा तो कोई कैंडिडेट नहीं है। हम वकील साहब से भी बात किए, अभी हमारे से मिलने डीएमके पार्टी के 11 टाइम के मिले, हमारे मुरुगन साहब आए, दुरई मुरुगन साहब आए थे, उनके बेटे को ला के मिलाए। अब क्या है मेरे भाई, वो हैदराबादी जबान में एक कहावत है, अब वो कहावत को यहां बोलूंगा तो फिर इन बहुत नाराज हो जाएंगे एआईडीएमके वाले, बीजेपी वाले, क्योंकि ये एआईडीएमके और मोदी ऐसा लग रहा दोनों भाया बिछड़ गए थे, अब मिल गए। मैं पार्लियामेंट में बोलता था तम्बीदुरई साहब को, सर डोंट डू इट सर, यू विल बी पॉलिटिकली इन लॉस। उनके जो तम्बीदुरई साहब के बाद जो फ्लो लीडर बने वो मेरे सामने बैठते थे, मैं उनसे भी कहता था कि देखो ये मोदी तुमको लेके डूबेगा तमिलनाडु में, तो बेचारे खामोश बैठते थे। मैंने कहा याद रखो, मैंने अंग्रेजी में कहा कि सर वी हैव अ सेइंग इन उर्दू, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसका ट्रांसलेशन उनको समझाया थोड़ा मैं। उसके बाद मेरे को परसों मिले उन्होंने 3 दिन के बाद, तो बोले मिस्टर अवेसी यू आर राइट, यू आर राइट। मेरे भाई कम से कम पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई तो पंजाब में नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां हमारे सिख भाई ज्यादा है, माइनॉरिटी ज्यादा है, इनकी वजह से नहीं, ये कांग्रेस की वजह से नहीं, हमारे सिख भाई ज्यादा है। हमारे सिख भाई ने कहा कि नहीं, हम हिंदुत्व को कामयाब होने नहीं देंगे। फिर साउथ इंडिया में आए तो मोदी का वो जादू नहीं चला, कर्नाटका में चल गया। क्यों चला? क्योंकि अगेन कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी ऐसा है, जब तक ये कांग्रेस पार्टी और मोदी का मुकाबला होगा मोदी जीतते जाएंगे। जिस दिन कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी या अगर उनकी जो नई लीडरशिप जो भी नहीं आई, तो मोदी का स्ट्रांग पॉइंट इनकी कांग्रेस की लीडरशिप है। जब तक ये लोग रहेंगे कुछ नहीं करेंगे। आप मेरी बात को समझो, यकीन करो मेरी इस बात का। मैं एक महाराष्ट्र में भी जाकर पुकार पुकार कर कह रहा था कि प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ दो, तो ऐसे ही जलसे में लोग बड़ी तादाद में सुनने आते, आंखों में आंसू लाते, नारे लगाते, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते। फिर उसके बाद मैं जाके पूछता क्या करने वाले पोलिंग के दिन, नहीं अब कांग्रेस की वोट देने का है। छोड़ो इन चीजों को मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला ये 5 साल भी कट जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो यकीनन कटेंगे, मगर हमको मुत्तहिद रहकर अपने हिम्मतों को बुलंद रखकर, हमारे दलित भाइयों को, हमारे सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाइयों को, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि वानियमबाड़ी में MIM का साथ दीजिए, मजबूत करिए। अगर कोई जिम्मेदार लोग काम करना चाहते हैं तो आप आइए, मैं आपको देने जिम्मेदारी देने तैयार हूं, मगर अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़िए। शुक्रिया, वाखर दान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।